आप देख रहे हैं नमस्कार सिटी, और मैं हूं अभी मोहनपुरा की उस मुस्लिम बस्ती में जिसकी वीडियो हमने कुछ टाइम पहले डाली थी, जहां पर होली और कब्रिस्तान को लेकर कुछ मामला चल रहा था। उस वीडियो का संज्ञान लेते हुए प्रशासनिक अधिकारियों ने यहां के स्थानीय निवासियों के साथ एक मीटिंग की है और दोनों ही पक्षों में आपसी सहमति भी बन गई है। तो अभी हम यहां जानने आए हैं उन लोगों से, तो आप लोगों की क्या मीटिंग हुई है, कौन लोग यहां पर आए थे प्रशासन से बताएं, कौन से थाने से आए थे? कोतवाली सिविल लाइन कोतवाली से आए थे। कोतवाल साहब खुद आए? कोतवाल साहब खुद आए थे और पूरी टीम थी उनकी। तो अभी हमारी बस्ती के लोग, कुछ मोमडन थे, कुछ दूसरी बस्ती और दूसरे धर्म के लोग थे, सबकी बैठ के आपस में उन्होंने मीटिंग कराई। और होली का टाइम और नमाज का टाइम दोनों का अलग अलग हिसाब से उन्होंने सेटिंग कराई कि जो होली का टाइम होगा नमाज उससे पहले पहले हमारी फारिग हो जाएगी, उसके बाद होली का दहन करेंगे 10:30 बजे के बाद। 10:30 बजे, 10:30 बजे के बाद, 10:30 बजे तक हम फारिग हो जाएंगे नमाज पढ़ के तरह भी, उसके 10:30 बजे के बाद जो होली का दहन होगा। तो आप लोग संतुष्ट हैं, प्रशासन की नज़र में यह मामला आ चुका है, प्रशासन का अमल दखल हो गया है, प्रशासनिक कार्रवाई या जो भी उन्होंने आप लोगों के साथ मीटिंग की है बैठ के, जो आपसी सुलह कराई है, उससे संतुष्ट हैं आप लोग? प्रशासन के लोग तो हर बार आते हैं, हर बार मीटिंग होती है, संतुष्ट भी हैं, लेकिन कुछ जो शरारती तत्व जो होते हैं ना, वो थोड़ा सा गड़बड़ करते हैं। हमारे गांव के तो आते नहीं, लेकिन गांव से बाहर के लोग जो आते हैं वो कुछ इस तरीके के करते हैं कि मस्जिद में रंग डाल दिया, गेट पे खड़े होकर अंदर कपड़े फेंक दिए, इस तरीके का माहौल बना रहता है। इससे पिछले साल को छोड़ के उससे पिछले साल में जो ये सारी चीज़ें हुई थी, लेकिन अब आपको लगता है कि हाँ हालात सुधरेंगे, जैसे कोतवाल साहब खुद चल के आए यहाँ पर, उन्होंने कहा है? बिल्कुल सुधरेंगे, जैसे कोतवाल साहब ने आश्वासन दिया है कि उनकी पूरी फोर्स रहेगी और पूरी देख रही रहेंगे और पूरी जिम्मेदारी से काम करेंगे। उन्होंने सख्त निर्देश दिए कि जो भी गलत तरीके से काम करेगा, चाहे वो कोई से भी पक्ष का हो, उसके लिए सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, तो इसका मतलब बस्ती के लोगों को अब इस तरह की शिकायत नहीं है, ना ये डर है कि रमज़ान में कोई माहौल ख़राब हो सकता है। बिल्कुल सही बात है, नहीं उम्मीद ही यही है कि होने का नहीं, और वैसे इंशाल्लाह होना भी नहीं चाहिए। और आप लोगों को भी आमंत्रित करते हैं कि आप भी उस रोज़ आइए और आप भी अपनी कवरेज करिए। बिल्कुल, मीडिया भी यहाँ पर रहेगी, आप बेफिक्र रहें, प्रशासन के साथ साथ हम लोग भी रहेंगे यहाँ पर। आप कुछ कहना? बस हमारा तो कहना यही है कि भाई बिल्कुल ठीक ठाक बना हो जाए मामला। ये प्रशासन पूरा, ये हमारे सब साथ थे उस रोज़, मीटिंग हुई यहाँ बैठे हुए थे सब, और दारा प्रधान जी भी थे, अरसद चेयरमैन जी थे, और जो कोतवाल साहब थे थाने से, अपना सिविल लाइन थाना है, ये सब वहाँ से पूरी आए हुए थे, पूरी टीम थी उनकी, आकर के बैठ के बात हुई, बहुत अच्छी बात हुई, कोई ऐसी बात नहीं। और पूरा मौका मैना करके गए, यहाँ अंदर भी गए कब्रिस्तान में जहाँ होली का दहन होता है, वहाँ भी गए, बस वो सब कुछ देख के अपना चले गए, कोई ऐसी बात नहीं है। बाकी यह है नमाज का टाइम 10 बजे तक हमारा, हम निमट जाएंगे, उसके बाद वो थोड़ा अपना दहन करके, अपना हाँ होली का दहन करके वो अपना चले जाएंगे बस। यानी अब बस्ती वाले मुस्लिम लोग खुश हैं और इन्हें कोई शिकायत नहीं है, हिंदू लोगों से पहले भी शिकायत नहीं थी बस्ती के, आप लोगों का कहना था बाहर के लोग आते हैं, तो इस चीज़ के लिए प्रशासन अपनी देख रेख में सारे काम कर रहा है। बिल्कुल सही बात है जी, गाँव वाले तो पहले से भी ठीक थे, लेकिन जो बाहर के लोग हैं ना, वही थोड़ा सा गड़बड़ करते हैं, और इस बार भी हम भी देखेंगे बाहर के लोग कौन है, वो भी हम कोतवाल साहब को बताएंगे कि बाहर के लोग कौन इस तरीके का आके हड़दंग मचाते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर पुलिस प्रशासन के सहयोग से इस बार होली का दहन रहेगा, रमज़ान का मौका है, टाइम अलग अलग कर दिया गया है, और कोतवाल साहब ने इन लोगों से कहा है कि जो भी बाहर से कोई शरारती तत्व आता है तो उसकी हमें जानकारी दी जाए। तो ये लोग प्रशासन को बहुत ज़्यादा धन्यवाद दे रहे हैं इस चीज़ के लिए कि उन्होंने अपने संज्ञान में लेते हुए इन सारे मामलों में हमारा सहयोग किया। आप देख रहे थे नमस्कार सिटी, आगे भी बने रहने के लिए धन्यवाद।